मुझे यहां किस लिए बुलाया गया है? हमें अपना दोस्त समझो। जानते हैं मैं किस जुर्म की सजा काट रहा हूं? जानता हूं, और तजुर्बे के साथ यह भी कह सकता हूं कि जिस जुर्म की सजा तुम काट रहे हो वो तुमने किया नहीं है, तुम्हें फंसाया गया है। इस हमदर्दी की वजह? गुंडागर्दी, प्रोस्टिट्यूशन, ये सब तो आम बात थी, लेकिन लोग अब नए नए धंधों से अमीर बन रहे हैं, और वो है आरडीएक्स, बॉम्ब ब्लास्ट, या दूसरे लफ्जों में जिसे हम मौत का कारोबार कहते हैं। ये कारोबार इस मुल्क के नौजवानों की नसों में फैलाने वाला एक ही आदमी है जिसे हम डॉन के नाम से जानते हैं। जब जानते हैं तो उसे गिरफ्तार करके सजा दिलवाइए। मुझे ये सब बताकर क्या फायदा? डॉन को गिरफ्तार करना इतना आसान काम नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। कानून और अदालत रोज उसकी चौखट पर सलाम करने जाते हैं। आई सी, तो बैठे रहिए हाथ पे हाथ रखकर, मरने दीजिए देश के नौजवानों को। देश के नौजवान बच सकते हैं अगर तुम हमारी मदद करो तो। मैं क्या कर सकता हूं? तुम चाहो तो ये डॉन घुटनों के बल चलकर हमारे पास अपनी जिंदगी की भीख मांगने आ सकता है। वो कैसे? जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, हम भी उसी के हथियार से उसे मारेंगे। मैं समझा नहीं। डॉन को पैसों से ज्यादा अगर किसी चीज से प्यार है तो वो है उसका इकलौता बेटा। अगर हम किसी तरह से उसके बेटे को किडनैप कर लें तो हम डॉन को उसके गुनाह कबूल करने पर मजबूर कर सकते हैं। शाबाश, तो अब पुलिस वाले गुंडों का काम करेंगे। ये काम पुलिस नहीं करेगी, तुम करोगे। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि कब एक कैदी जेल से निकला, डॉन के बेटे को किडनैप किया और पुलिस के हवाले कर दिया। यह गलतफहमी आपको कैसे हुई कि यह गुनाह मैं करूंगा? यह गुनाह तुम्हारे उस गुनाह के दाग को मिटा देगा जो तुमने कभी किया ही नहीं है। देखो विजय, अगर तुम पुलिस का साथ दोगे तो हम तुम्हारी बाकी की सजा भी माफ करवा देंगे। इस तस्वीर को देखो, यही है डॉन का बेटा जो तुम्हारे लिए नई जिंदगी का दरवाजा खोल सकता है। जल्दी राशन उतारो। हाँ, चलो भाई जल्दी जल्दी करो। हाँ हाँ, ले जा रहे हैं, बहुत भारी है वार्डन साहब। ले जाओ। रुको,
क्यों सारा सामान उतर गया? उतर गया साहब। जाओ ले जाओ। मेरा इम्तिहान? अरे मेरा इम्तिहान क्यों लेंगे तुम्हारे डैडी? क्यों नहीं लेंगे? आखिर मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। जानना चाहेंगे कि जिस लड़की शादी मैं कर रही हूँ मुझे खुश रख पाएगा भी कि नहीं? मेरी शक्ल देख के वो पहचान जाएंगे। और नहीं तो क्या, पुलिस वाले हैं वो। जिनकी जिंदगी चोर उचक्कों को देखते देखते गुजरी हो वो मेरे जैसे शरीफ आदमी को क्या पहचानेंगे? आप कितने शरीफ हैं मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। क्यों मैंने क्या किया? मेरी सहेली सोने के साथ कल कैंटीन में क्या कर रहे थे? हाँ थोड़ा सा रोमांस। क्या? अरे वो कह रही थी दीपक आई लव यू। तो तुमने क्या कहा? तो मैंने भी वही कह दिया। तो फिर जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे शर्मिला आई लव यू। अरे मेरी बात तो सुनो। गो टू हेल। जिस काम को हम और तुम मिलकर कर रहे हैं उसके लिए इससे महफूज जगह और कोई नहीं हो सकती थी, क्योंकि यहां ना तो कोई आंख हमें देख सकती है और ना ही कोई कान हमारी बातें सुन सकता है। मैंने अपना काम कर दिया, उम्मीद है आप भी अपना वादा जल्द ही पूरा करेंगे। हेलो, मैं यशवंत देशमुख बोल रहा हूं। यस सर। हमारा काम हो गया है, विजय श्रीवास्तव यहाँ से जेल के लिए निकल चुका है, बाकी तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तो जला साहब की मर्जी से बाहर गया था। अगर आपको यकीन नहीं आता तो जला साहब से पूछ लीजिए, वो आ रहे हैं जला साहब। जला साहब इन्हें जरा सच्चाई बता दीजिए। बंद कर दो इसे। रामजादे मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बता ये खेल तू मेरे साथ क्यों खेला? क्यों खेला? क्यों खेला? मैं तेरा खून पी जाऊंगा। You bastard! कहा था ना कि तू मेरा खून पिएगा। तू तो मेरा खून नहीं पी सका लेकिन मैं तेरा खून जरूर पीऊंगा। साथ में उस कमीने देशमुख का पेशाब भी पी लेना जो कानून की आड़ में तू जैसे कुत्ते से अपना काम करवा रहा है। क्या क्या बोला? मुझे पेशाब पिलाएगा? शमशेर सिंह
क्यों इतनी गर्मी खा रहे हो शमशेर सिंह? वैद्यों का कहना है कि पेशाब पीने से सेहत हमेशा अच्छी रहती है। क्या? वेलकम यशवंतराव देशमुख हियर। नाइस मीटिंग यू। प्लीज। थैंक यू। यशवंत देशमुख, आप जानते हैं कि मैं शहर में क्यों आया हूं? क्योंकि सरकार ने आपका ट्रांसफर इस शहर में कर दिया, इसलिए। आईजी प्रताप सिंह का ट्रांसफर कोई और नहीं, वो खुद करता है। और मैं शहर में इसलिए आया हूं ताकि उस माई के लाल का पता लगा सकूं जिसने आईजी प्रताप सिंह के घर में डाका डालने की हिम्मत की है। आपके घर में डाका? यह है मेरी बेटी शर्मिला। हेलो। जिसके मंगेतर को 2 दिन पहले किडनैप कर लिया गया। क्या आप सब लोग सो रहे थे? अगर 48 घंटे के अंदर आप सब लोगों ने दीपक को ढूंढ नहीं निकाला तो ना आप लोगों के जिस्म पे यह वर्दी रहेगी और ना ही शहर के अंदर को गुंडा। यह है दीपक की तस्वीर। दीपक हीरालाल का बेटा जरूर है, लेकिन वो आईजी प्रताप सिंह का होने वाला दामाद भी है। आईजी ने उसे ढूंढने के लिए एक भी कदम उठाया तो सीधा हम लोगों तक पहुंच जाएगा। देशमुख, दुश्मन को अकलमंद समझना समझदारी की बात है, लेकिन उससे बड़ी बेवकूफी की बात है खुद को बेवकूफ समझना। दीपक को किडनैप तो हम किसी मामूली कुत्ते से भी करवा सकते थे, लेकिन विजय श्रीवास्तव का इस्तेमाल क्यों किया? ताकि अगर बात बिगड़ जाए तो विजय श्रीवास्तव पकड़ा जाए, हम नहीं। अब फिर आईजी प्रताप सिंह जिस रास्ते पर भी कदम रखेगा उसकी मंजिल होगी विजय श्रीवास्तव, तिरकाल नहीं। इसलिए जब तक हीरालाल जेल से बाहर आकर हमें वो पेपर्स नहीं देता तब तक पुलिस वाले का दामाद मुजरिमों की जेल में ही रहेगा, समझे देशमुख? लेकिन आप त्रिकाल को कैसे जानते हैं? त्रिकाल हर बदनसीब आदमी का मुकद्दर है। मतलब? त्रिकाल जैसा इंसान जिसका दोस्तों से दुश्मनों की क्या जरूरत है। मैं भी उन बदनसीबों में से हूं जिससे दुश्मनों ने नहीं दोस्तों ने मारा है। कितना भरोसा था मुझे त्रिकाल पर, खैर जाने दो। कौन है ये? मेरा बेटा है। अगर दीपक हीरालाल का बेटा है तो कमीने देशमुख ने झूठ क्यों बोला कि वो डॉन का बेटा है? तो जैसे कुछ और हरामी पैदा हो गए तो सारे देश की बहु बेटियां कोठे पर बैठ जाएंगी। हरामी? हाँ। मैं औरतों को कष्ट नहीं देता, उन्हें प्यार करता हूं, जो कहना हो कहो, लेकिन मुझे खुश कर दो। खुशी तो तुझे अपनी बहन बीवी को डीसीपी देशमुख के साथ सुलाकर भी होती होगी। Ah!
कैप्टन शमशेर सिंह, डीसीपी के अलावा इस खेल में और कौन कौन है? मुझे नहीं मालूम, मैं सच कहता हूँ मुझे नहीं मालूम। बताता है या ये मौत का पहाड़ तेरे सर पर पटक दूं? नहीं 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 नहीं, त्रिकाल ही वो आदमी है जिसने तुम्हारे माँ बाप और भाई को मरवाया। वो नहीं चाहता था कि तुम जीते जी इस जेल से बाहर निकल सको। अरे भाग गया। हेलो, त्रिकाल सेठ बोल रहा हूँ। विजय श्रीवास्तव जेलर को मारकर जेल से भाग गया है। क्या? देशमुख साहब, आजकल विजय श्रीवास्तव कहाँ है? शमशेर सिंह की जेल में है, जहाँ से सिर्फ उसकी लाश ही बाहर आ सकती है। वो नहीं, इडियट उल्लू के पट्टे, वो तेरे शेर को गीदड़ की मौत मार कर जेल से फरार हो चुका है। दादी, यही है वो आदमी जिसने दीपक को किडनैप किया है। सिगरेट और शराब दोनों ही इंसान की जान ले लेती है, लेकिन मैं इन्हें तुम्हारी जान लेने नहीं दूंगा। क्योंकि तुम्हारी जान मैं लूंगा। खाना खाओ त्रिकाल, वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। विजय बेटे, तुमने सुना होगा, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। बरसूंगा त्रिकाल, थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन आज नहीं। क्यों? आज क्या माँ का दूध पीकर नहीं आए हो? माँ के दूध के साथ साथ बाप के खून का भी हिसाब लूंगा त्रिकाल, लेकिन 15 अगस्त को, क्योंकि उस दिन मैं तुझ जैसे देशद्रोही के सीने में अपने देश का तिरंगा गाड़ कर अपनी वतन परस्ती का सबूत दूंगा। तब तक मेरे डर से हर रोज थोड़ा थोड़ा करके मरोगे। जिंदगी और मौत का खेल उस दिन तक चलता रहेगा जब तक हीरालाल के बेटे की सांसें चलती रहेंगी। कुछ